हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एक कंट्री कंपैरिजन वीडियो है और इसमें हम कंपेयर करेंगे इंडिया कंट्री को पाकिस्तान कंट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि आप देख सकें हर आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। पॉपुलेशन 1.35 बिलियन पीपल्स है। सरफेस एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉमिनल जीडीपी 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जीडीपी पर कैपिटा 2,090 यूएस डॉलर है। पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पॉपुलेशन 220 मिलियन पीपल्स है। सरफेस एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉमिनल जीडीपी 300 बिलियन यूएस डॉलर है। जीडीपी पर कैपिटा 1,400 यूएस डॉलर है। इंडिया की फाउंडर डेट 15 अगस्त 1947 है। कैपिटल न्यू दिल्ली है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और करेंसी जो इंडिया में यूज की जाती है वो है इंडियन रूपी। ड्राइविंग साइड लेफ्ट है। कॉलिंग कोड +91 है और इंडिया का इंटरनेट डोमेन .in है। पाकिस्तान की फाउंडर डेट 14 अगस्त 1947 है। कैपिटल इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। ड्राइविंग साइड लेफ्ट है। कॉलिंग कोड +92 है और पाकिस्तान का इंटरनेट डोमेन .pk है। लैंग्वेजेस एंड रिलीजियंस। इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी और इसके अलावा 500 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत से लोग इंडिया में बोलते हैं। और इंडिया में जो रिलीजियंस हैं उनमें हिंदुइज्म 82%, इस्लाम 11%, क्रिश्चियनिटी 3%, सिखिज्म 2% और अदर रिलीजियंस 2% हैं। पाकिस्तान में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और इसके अलावा 75 लैंग्वेजेस हैं जो कि पाकिस्तान में बोली जाती हैं। पाकिस्तान में जो रिलीजियंस हैं उनमें इस्लाम 96% है, हिंदुइज्म 1.4% है, क्रिश्चियनिटी 1.6% और अदर रिलीजियंस 1% है। जियोग्राफी। इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया में है। लैंड एरिया 91% है, वाटर एरिया 9% है, कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर है और इंडिया के जो टोटल बॉर्डर्स हैं नेबर कंट्रीज के साथ वो है 15,200 किलोमीटर के। और इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान शामिल हैं। पाकिस्तान जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया में है। लैंड एरिया 97.1% है, वाटर एरिया 2.9% है और पाकिस्तान के पास 1,146 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। पाकिस्तान के अपने नेबर कंट्रीज के साथ 7,307 किलोमीटर के टोटल बॉर्डर्स हैं। पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज में अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया और ईरान शामिल हैं। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंडिया ने पिछले साल 467 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट की और 314 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट की। और इंडिया में जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उनमें रिफाइंड पेट्रोलियम, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल 50 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट की और 23 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। कंट्री एनालिटिक्स। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है। HDI 0.647 है। लिटरेसी रेट 76% है। क्राइम रेट 22% है। करप्शन रेट 29% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 ईयर्स है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.560 है। लिटरेसी रेट 65% है। क्राइम रेट 21% है। करप्शन रेट 31% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% है। मेन फैसिलिटीज।
इंडिया में टोटल 11,000 हॉस्पिटल्स हैं, 15,000 पुलिस स्टेशंस हैं, 1,000 यूनिवर्सिटीज हैं और 135 एयरपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में टोटल 2,000 हॉस्पिटल्स हैं, 3,000 टोटल पुलिस स्टेशंस हैं, 216 यूनिवर्सिटीज हैं और 85 एयरपोर्ट्स हैं। मिलिट्री पावर। इंडिया का मिलिट्री बजट 61 बिलियन यूएस डॉलर है। टोटल मिलिट्री पर्सनल्स 35,40,000 हैं। इंडिया के पास 4,295 कॉम्बैट टैंक्स हैं, 2,658 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, 286 नेवल शिप्स हैं और 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट 11 बिलियन यूएस डॉलर है। पाकिस्तान के पास टोटल 12,00,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं, 2,200 कॉम्बैट टैंक्स हैं, 1,700 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, 101 नेवल शिप्स हैं और 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को शेयर या कमेंट करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।